हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सफेदे का प्लांट है उसको कैसे रेडी किया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, तो ये वाइट मिर्च चैम्बर है। इसमें जो मदर प्लांट की जो है हेल्प से इसमें जो है कटिंग जो है भरी जाती है ट्रे में। आपको जैसा दिख रहा होगा, तो इसमें जो है अभी ट्रे में जो है कटिंग हमने भरी है। तो एक और हमने जो है मिर्च चैम्बर बनाया, तो आपको दिखा देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये भी जो है एक मिर्च चैम्बर हमने बनाया है। तो जो दोनों मिर्च चैम्बर है उसमें जो है स्फेदिया प्लांट रेडी किया जाता है। तो किसान भाइयों, जब इसमें से जो है स्फेदिया प्लांट रेडी हो जाता है, तो बाद में उनको जो है ग्रीन मिर्च चैम्बर में रखा जाता है। तो आपको ग्रीन मिर्च चैम्बर दिखा देते हैं। तो किसान भाई, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हुए आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो अभी इनमें जो है स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो ये देखिए, आपको जैसा दिख रहा होगा, ये पीतेस वैरायटी है। तो अभी जो ये मिर्च चैम्बर आपको दिख रहा होगा, ये फुल था। तो अभी जो है हमने इनमें से जो प्लांट रेडी हो जाते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो किसान भाई, और फिर 15 दिन बाद जब प्लांट रेडी हो जाते हैं, तो इनमें से जो है हम प्लांट निकाल के डायरेक्ट जो है सनलाइट में रख देते हैं, ताकि जो प्लांट है और ग्रोथ में आ सके। तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए किसान भाइयों, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये हमने नीचे जो है स्फेदे के प्लांट रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो ये पूरी पीतेस वैरायटी है, हमने जो है ग्रीन मिर्च चैम्बर में से निकाल लिए हैं। तो थोड़े दिन बाद जो है इनकी ग्रेडिंग हम करेंगे, तो फिर जो है प्लांट फिर रेडी हो जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि जब ग्रेडिंग कर देते हैं प्लांट, फिर कैसा लगता है ग्रेडिंग के बाद। तो किसान भाइयों, यहाँ नीचे जो है ग्रेडिंग किया जाता है। तो बाद में जो है ये आपको पीछे जो है स्टैंड दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये 3 स्टैंड बनाए हुए हैं हमने। इनमें जो है इसके ऊपर जो है हम सफेद का प्लांट रखते हैं बाद में। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये प्लांट रेडी हुए हैं आज। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये पीते से वैरायटी है, आप देख सकते हैं। तो इनकी आज ग्रेडिंग हुई है। तो ये देखिए, काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से जो है प्लांट की ग्रेडिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं। तो किसान भाई, जो पीतेज प्लांट होता है पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो पंजाब के फार्मर है पीतेज प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो है प्लांट साफ़ सुथरा होता है प्लांट, और जो है इनकी जो हाइट है 70 से 75 फुट तक जाती है, और इनका जो वेट आपको देखने को मिलेगा 3 से 3.5 क्विंटल तक देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है प्लांट को काफ़ी जो है डिमांडिंग में है पीतेज प्लांट है। तो ये देखिए, ये भी पीतेज प्लांट है। अगर किसान भाइयों आपको हमारे पास से प्लांट लेने हैं, तो आपको हमारे पास से हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो रहेगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट प्रोवाइड हो जाएंगे। तो किसान भाई, आपको हमारे पास है पीतेस 288, 405 और 270, जो पंजाब की सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, आपको जो है मिल जाएगी। तो ये देखिए किसान भाई, जो 288 क्वालिटी के प्लांट है, आप देख सकते हैं। और उधर भी जो है पीतेस प्लांट रखे हैं हमने। पीतेस प्लांट किसान भाई हमारे पास अभी ज़्यादा है, क्योंकि जो है पीतेस की ज़्यादा डिमांड होती है, तो इस वजह से जो हम पीतेस प्लांट को ज़्यादा रेडी करते हैं। और किसान भाई, अगर आपको हमारे से प्लांट लेने हैं, तो आपको हमारे पास 16 रुपये का जो प्लांट है वो मिल जाएगा, क्योंकि किसान भाई काफ़ी जो है हमें मेहनत लगती है प्लांट को रेडी करने में। तो ये देखिए, ये पीतेस वैरायटी है, और ये भी फ़िलहाल छोटे हैं, इनकी जो भी हैवी ग्रेडिंग हुई है। तो अभी हमने इधर इसको साट के इधर रखे हैं, और बाकी जो बड़े प्लांट हैं हमने जो है वहाँ पर रखे हैं फर्स्ट स्टैंड पर, आपको जैसा दिख रहा होगा। तो आपको जो है चार
105 जो है प्लांट की वैरायटी दिखाते हैं। तो ये देखिए किसान भाई, ये 405 सफ़ेदे के प्लांट की वैरायटी है। ये भी जो है काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के प्लांट होते हैं। इनकी जो मोटाई होती है काफ़ी होती है। इनका जो वेट है बाकी सफ़ेदे प्लांट से ज़्यादा आता है। इनका वेट आपको 4 क्विंटल तक देखने को मिल जाएगा और इनकी हाइट 70 से 75 फुट तक देखने को मिल जाएगी आपको। तो किसान भाई, ये भी पीते से वैरायटी है आपको जैसा दिख रहा होगा। तो किसान भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बाकी जो हमारे फार्मर भाई हैं उनके पास शेयर करें। तो किसान भैया, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।